किस तरह से ब्लास्ट होता, कैसे दिक्कत होती है? किस तरह से ब्लास्ट होता, कैसे दिक्कत होती है? ठेकेदार के अवैध उत्खनन जम के चालू हो, वो अपने कसरे खातिर बनवाए रहे हैं। हाँ, मोती पांडे के लड़का यही अमित पांडे काल रहे में है। हमारे पांच के जम दो वो वे लाइक जमीन ही तो हाईवी ब्लास्टिंग कराते तो वो सब पथरीली हो गई। आयमा मुश्किल से 40 लाख में इतनी बढ़िया रोड बन गई कि आधा शासन के पैसों का फायदा सब मालूम है। क्या जी आओ जो माजे जी की आवाज है जो सगल मेरी ने कह के पखर मगी पे पखर और जुगा वो मन नहीं। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्वाति। आज आपको ले चलेंगे एक ऐसी खबर की ओर जहां लंबे समय से अवैध उत्खनन चल रहा है। शासकीय जमीन जो छात्रावास के लिए आवंटित है, वहां किस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है, किस तरह से जनता की सुविधाओं को ना देखते हुए खनिज माफियाओं के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, पर यह सब दिखाएंगे खुफिया कैमरे से। रीवा खनिज माफिया और प्रशासन की सांठगांठ खुफिया कैमरे की नजर से। शासन और प्रशासन दोनों माफियाओं को निस्तनाबूद करने का दम भरता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? माफिया अभियान का उपयोग किन के लिए किया जाता है, यह हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। कई बार खबरों को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि प्रायोजित ढंग से मीडिया के द्वारा खबरें दिखाई जाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा रीवा जिले में खनिज माफिया प्रशासन और राजनीतिक सांठगांठ का भंडाफोड़ किया है। रीवा जिले का मुख्य खनिज उत्पादन क्षेत्र बनकुइया सर्किल है, जहां बनकुइया दादर पत्थरगढ़ी मरहा में जमकर अवैध उत्खनन चल रहा है। दादर और पत्थरगढ़ी में जमकर अवैध उत्खनन होने की लगातार मिल रही शिकायतों का जब जायजा लेने हमारी टीम पहुंची तो यहां के लोग माफिया से इतने भयभीत नजर आए कि कैमरे के सामने किसी भी प्रकार से बोलने को तैयार नहीं थे। क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन, परिवहन, भ्रष्टाचार की खबरें दिखाए जाने के बाद खनिज माफिया अपने अड्डे बदलता रहा और अपनी तिजोरी भर रहा है। इतना ही नहीं, जहां प्रशासन और शासन खनिज माफिया की कमर तोड़ने के लिए रास्ते बंद कर रहा है, वहीं रीवा जिले के समरिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दादर बनकुइया में विशेष खनिज माफियाओं के लिए लाखों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त सड़क में सिर्फ और सिर्फ खनिज माफिया को लाभ है। लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही देवी मंदिर से लेकर बंजारा मार्ग का लाभ अगर किसी को है तो वह खनिज माफिया को, क्योंकि सीधे पत्थरगढ़ी और दादर से अवैध उत्खनन कर सीधे बनकुइया पहुंचेंगे। इसके लिए लगभग 80 लाख की लागत से सड़क बनवाई जा रही है। उक्त सड़क का ठेका भी जिस व्यक्ति को मिला है उसके द्वारा खनिज माफिया को बनाने का काम दिया गया है, जिसके चलते मजदूरों से काम ना कराकर डंपर जेसीबी के द्वारा सड़क बनवाई जा रही है। एक तरफ लाखों रुपए की सड़क सिर्फ खनिज माफिया के लिए बनवाई जा रही है तो दूसरी तरफ अवैध उत्खनन किस तरह किए जा रहे हैं, यह जानने के लिए जो हमारी टीम पहुंची तो जानकारी मिली कि कलेक्टर द्वारा आदिवासी विकास के लिए पत्थरगढ़ी में खसरा नंबर 69 जिस शासकीय जमीन का आवंटन किया गया है, वहां खुले आम अवैध उत्खनन हो रहा है। बड़ी बड़ी खाई खोदी जा रही हैं। वहां छात्रावास का निर्माण कैसे कराया जाएगा, जहां की 2 से 10 मशीनें दिन रात पत्थर निकाल रही हैं। ना तो आदिम जाति कल्याण विभाग को आवंटित जमीन का ख्याल है और ना ही खनिज विभाग को। इन भारी वाहनों से प्रधानमंत्री सड़क किस तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। यहां के लोगों का कहना है कि जो रोड देवी मंदिर से बंजारा तक बन रही है, अगर वही रोड देवी मंदिर से पैपखरा चली जाए तो दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। लेकिन राजनीति से जुड़े माफिया के लिए राजनीतिक साठगांठ कर उक्त सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आइए दिखाते हैं खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरें। एक एक तस्वीर को आप देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह से माफिया को निस्तनाबूद करने की झूठी बात कही जा रही है और जमीनी हकीकत क्या है। देखिए दादर मोड़ से दादर बस्ती देवी मंदिर से लेकर पत्थरगढ़ी का अवैध उत्खनन और प्रधानमंत्री सड़कों का हाल बम्होरी तक। यह है रीवा बनकुइया रोड दादर मोड़, जहां भाजपा का बनकुइया मंडल अध्यक्ष अमित पांडे के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी खबरें पहले भी दिखाई जा चुकी है। सड़क से लगा पूरा क्षेत्र जहां विस्फोट कर अवैध उत्खनन किया जाता है, यह दादर मोड़
जहाँ अवैध उत्खनन किया जाता है। अब यहाँ कुछ लोगों को साथ में लेकर चलेंगे आगे। यहाँ पर बैठे लोग कई बार सूचना दे चुके हैं लेकिन कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना भय है इन लोगों को कि किसी को भी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। धमकियाँ दी जाती हैं, पत्थर इन दुकानों में भी पहुँचते हैं लेकिन दहशत है, लोग चुप हैं। यह है दादर बस्ती के लिए सड़क जाती है, साथ में कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि किस तरह से किसके द्वारा अवैध खनन किया जाता है। आप अभी आगे देखेंगे किस तरह से इस रोड में भी सड़क के किनारे खाइयां बनी हैं जहां कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। स्कूल बसें गिर चुकी हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस रोड के दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयां हैं, शासकीय ज़मीन है, शासकीय ज़मीन में किस तरह से अवैध उत्खनन। खुफिया कैमरे से इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यह सब इतने भयभीत हैं कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह दादर पहुंच मार्ग है। अभी दादर बस्ती से लेके कई गांव के लोग रीवा जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। आगे चल के बताएंगे कि जो खनिज माफिया के लिए देवी माता मंदिर से बंजारहा तक सड़क बनाई जा रही है, अगर वह सड़क देवी मंदिर से पैपखरा जोड़ दी जाए तो लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र इस क्षेत्र के लोगों को रीवा आने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन खनिज माफिया के लिए REES के द्वारा सड़क बनवाई जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ खनिज माफिया के लिए बनवाई जा रही है, जिसका उपयोग भारी वाहनों को सीधे पत्थर लोड कर अपने क्रशर तक पहुंचाया जाएगा। यह है दादर ग्राम पंचायत। पंचायत के लोगों को भी कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्र में किस तरह के अवैध कारोबार हो रहे हैं। बताया तो यह भी जाता है कि जो लोग पंचायत में हैं वो सब ऐसे ही कारोबारों में संलिप्त, जिसके चलते कोई विरोध नहीं करता, जो विरोध करता भी है तो उसे किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाता है। इन बस्तियों में भी फर्राटे मारते वाहन निकलते हैं, ओवरलोड। पूरे इलाके में खनिज माफिया सक्रिय हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से अवैध ट्रैक्टर शासकीय ज़मीनों में उत्खनन कर रहे हैं। बताते हैं लोग कि जो सड़क बनवाई जा रही है वो पहले भी पंचायत से बनवाई जा चुकी है, उसके ऊपर अब लाखों की लागत से पुनः निर्माण कराया जा रहा है। क्योंकि खुलकर कोई सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लोगों से जानेंगे कि किस तरह से खनिज माफिया को नेस्तनाबूत करने की जगह उसे संरक्षण दिया जा रहा है। सड़क बनवाई जा रही है और उस सड़क का कितना महत्व है। त्यौहार के चलते आज सड़क खाली है और ये भारी वाहन घरों में खड़े हैं। दूसरे दिनों में ये फर्राटे मारते हुए यहीं चलते हैं। प्रधानमंत्री सड़क का हाल आगे दिखाएंगे कैसे है। यह है दादर तिराहा, ये सड़क आगे जाती है जो देवी मंदिर होते हुए पत्थरगढ़ी दादर रहट बमहौरी के लिए निकलती है। लोगों का कहना है कि इसी रोड में जमकर अवैध उत्खनन हो रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। विरोध करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि कहीं किसी झूठे मामले में फंसा ना दिया जाए, इसलिए लोग चुप। ये है दादर गांव की स्कूल, पुराना पंचायत भवन, विद्यालय, विद्यालय के चारों तरफ अवैध उत्खनन। इसी के पीछे बस्ती में न आना पड़े उसके लिए राजनीतिक सांठगांठ कर सड़क बनाई जा रही है। ये है चौराहा जहां से सड़क का निर्माण कराकर भूमाफिया को आसान किया जा रहा है।
आइए अब बात करते हैं इन लोगों से और इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। इन्हें मालूम हो गया कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, कहाँ तक गिर गए माटी? माटी अब यही शुरू भाई तालगंज तो फरिका थी और कहीं फर गए रात में डारी नहीं। हाँ पारा से बात कहीं जा रहे हैं वो कहीं तो रोड आ खोद लेकिन वो जब मेड़ रही है जंफल नहीं आगे से चले आ रहा है नहीं को यह रोड क्या चाहते हैं? यह रोड पहले बनी थी क्या? ले लीजिए, पहले ये रोड बनी थी क्या? कब बनी है ये? कब बनी है? और ये बहुत पहले बनी। पैसा खड़ा नहीं जा रहा नहीं जुड़ रहा ना वह तो आदमी के ऊपर ले जाते नहर का जोड़ के अपन को यहाँ ले जाते तो हमको कोई फायदा नहीं। तो हम के ही का फायदा है ये बतावा? कुछ फायदा देंगे सिर्फ अपने अपने लिए फायदा होगा ठेकेदारों के लिए। ठेकेदार के अवैध उत्खनन जम के चालू हो ही वो अपने कसरे खातिर बनवाए रहे हैं। हम नहीं तो बता देना जाती नहीं जा रही हो नहर ट्रैक्टर वह करेगा। अगर ये वहाँ जाएगी क्रेशर के पास तो किसको फायदा होगा फिर? पब्लिक को मैं जाऊँगा तो को जाऊँ पब्लिक को किसी को नहीं होगा अपने आप को ये पखड़ में घूम जाए। हाँ तो फायदा है पूरा रहा दादा माने 8 किलोमीटर के अंतर दादर के कम गए मोड़ जो देखे सुन ये से मोड़ से अपने मोड़ दादर मोड़ जाओ मेन रोड में जी तो वक्का छुआ तो मैं पहुँचा भी रहा है। अजय रुपए अच्छा उन दारू के रोज विवाद होते दारू के हवलू खुल गए तो उसे हम लोग बचे रही कम से कम ये रोड पाई पखरा खुल अगर ये पाई पखरा चली जाए तो आराम हो जाए लोगों बहुत, को बहुत बड़ा गांव बहुत गाँव फायदा हो जाए ये कई जहाँ चबुआ घला ना जाए ये कई चीजें चला जाए इससे अवैध खदान उदान वाले पत्थर लेके जल्दी जाने लगेंगे बस उन्हीं को फायदा हो जाएगा उनका भर है। तो फिर जो है रोड पर रोक लगा दीजिए करो भैया न डाल दीजिए अब अरे हाँ जब मैं चलवा हमें पाचा कुछ नहीं आए ओ डॉक्टर हमारे गांव में अच्छा रोड बनती है एक क्या रोड जो गांव के गए है या वो मजूरे चाहती कहे माँ सिमरिया वाली का जी तो एक नहीं जा रही यो जब मोड़ जाए तो फिर सिमरिया जाए पूरी पब्लिक के ठेके चार छः 10-20 गांव का तो ये सीधे कहाँ पहुँचा सिमरिया झक मोड़ छुआ सिमरिया पहुँच कई लोगों को लाभ हो जाए कई गाँव के लोगों को कई गाँव तो वहू को नहीं बनेंगे अपने लाभ के लिए बनवा रहे हैं ठेकेदार नेता जो आदमी अपने काम के खातिर घर घर बनवा सीधे क्रशर चला जाए खदान से जोड़ जाए रोड पर कुइया जाए तो क्रशर के मोहरे पड़ जाते हैं मोहरे पर नहर मा नहर मा हम वही के बन कुइया में हम पंचे से दोनों हाथ उठाए हैं कि ये सीधे जुड़ जाए पाई पखरा मा पाई पखरा अब रूप जैसा बना पर तेरा चीजें है पर हमसे तो भाई है बताए नहीं तो जब आवाए कोहू के भू अर्जने नहीं बात काम कैसन चालू हो गया चलाए तो हम ए का कहावत है तिवारी का नाम है स्पष्ट बताए कल तो पता रहे नहीं तिवारी ट्यूनी कहाँ जा रही है ये रोड यह कहा थे कई जगह से पैर पोखरा कर रहा है। हाँ तो अब का फायदा है ऐसे गांव के लोगों का कुछ फायदा नहीं जब उसे मतलब नहीं कहूँगी कई सब नहीं सीधे क्रशर वाले के पास पहुँच जाए बस हो जाओ और जब के बाद उत्खनन हो ला कि यह रहा कि सर कि अगर जो ये सीधे चली जाए चला सुविधा हो जाए माने दागर बन जा रहा सब एक पूरे अठे का खेत मेरा कदम पर हट तक इन जॉइंट खेत खेत कितने किलोमीटर है लगभग यहाँ से कम से कम अंतर पड़ जाए भैया 5-7 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर करीब अपना के सुबह था समस्या हम लोग यह सबको चाहिए हमारे जहाँ के बदला हम देखकर जमीन फंस रही नुकसान है पोखरा में जुड़ जाए बस ऑलरेडी रोड बनी है बंजर हाथ तक केवल नहीं कहीं बनी है कुल बंजर हाथ से आगे बनी है तलाए की तरिया नहीं बन गया बस कि कौन बनवा रहा है या हमका के तिवारी अबे ये सीजी जो बात के हां मोती पाड़े के लड़का यहीं अमित पाड़े काल रहबे में है ठेकेदार है सीन बात के कोई बात नहीं कोई जरूरत तक बन रहा है अमित आ बनवा रहे हैं क्योंकि उनका पुहारी के लीज ही वो अपन पथरा ले जा के खाते तो हमका तो बचवाई भाई हूं कल तो बना रहे ना साथ में टीम के की बाजी है बाद में बन को जा रहा है बन को हम जोड़ रहे होंगे अपने क्रशर में ले जा साजी आ गए हैं अच्छा तो हो जाए
हम के ये कैसर कैसर बेची जा रही है ये जौनिन से कल कैसर लगाए रहे हैं किवारी एकदम फर और फर सब कहीं बेच बाड़ी हो रहा है घाटा पड़ रहा है कैसर बेन दिन दू नो आज से अब कहीं न कहीं खेत का भल ले आती मुनो डूडन के की का भल ले आती कैसर रोज से घाई है को उन ये बनवावल लागे चुबाई अच्छा ठेकेदार काम यहाँ कोई दूसरा करवा रहा होगा ठेका वहाँ करवाऊंगा मिल के हम पाड़े करवा रहा मोती पाड़े मोती पाड़े मोती के लड़का अमित पाड़े अरे भागवत भैया रहे हमका काल राजू हाँ राजू रहे राजू बमौरी रहे हमका काल जब पटवारी साहब बताए जब भोजन के घर ठेकेदार को होते कहीं होता खड़े तो कर दिखा ना मेरी की तो कहाँ के अब भाजपा का नेता है वो बन कोई लड़का मोती पाड़ेगा सब अपने खदान के लिए ले जा रहे होंगे उन्हीं का क्रेशर है उन्हीं खदान है मंडल अध्यक्ष आ चुका है छोटे शुक्ल है जिन्हें कृष्ण शुक्ला उसको संपर्क ले लो देखिए आगे चले जाइए हमार पाड़े जी यह निवेदन है राजेंद्र शुक्ल को बधाई दे कि यह रोड का सीधे पंच पखरा में जोड़ दें तो हम पंचिन का कम से कम 8 किलोमीटर जो चक्कर आ रहा यह पटा जाए और हौली खुल गए बन कुइया में तो ये जो आए दिन विवाद हो तो उसे बचे रहा सीधी सी बात यह है कि यह रोड जो आज बन रही है बन तो यह रोड से सीधे अपना नहीं एक सिर्फ मतलब यह है कि यदि यहाँ चूंकि वहाँ जेपी सीमेंट फैक्ट्री के पूरी लीज है पत्थर वहाँ पामे नहीं कसल लगाए हैं बन कुइया में तो यहाँ से पथरा लाई आए कि नहरे नहर 1 किलोमीटर में पहुंची है तो मैंने इतना दो लागी कि हमारे पांच के जो जोते वो वे लाइट जमीन ही तो हैवी ब्लास्टिंग कराते तो वो सब पथरीली हो जाए बस वो ये यहू उसी का सब कुछ अगर ये रोड बन जाए तो जरूर जबकि यह रोड में यह सत्र में पूर्व सरपंच ही बनवा चुका है रोड में अच्छा कितना खर्च हुआ होगा पहले जो बनवाया है 70-80 हज़ार के लागत है डरवाई अच्छा WBM WBM बनी है उसी के ऊपर ये बनवाई जा रहे पक्की जबकि यह सत्र मई से चुनाव के पहले माटी हुआ बात बनवाई हुई है तो पैसा है पत्थर से माटी आ जाइए मां उनका पत्थर निकले तोरवा में और ये भी दिख जाएगा कि मिट्टी यहां डलवाए तो कीवर निकल आए नहीं नहीं देखिए यहां के ठेकेदार जी खुदाई है खदान लगाई रहा कि ये जो मलबा पड़ा है ओहू के पैसा ले हां हां तो बनहो का है वहां जहां से रोड लई जाएगा कल अपना रहन है एक पोरसा पानी हमें भरा है जहाँ से रोड लग जाएगा 10 फुट गहील यही इसी रोड में आगे हाँ इसी रोड आगे अब तो जाइन लाइक नहीं आया हूँ वहाँ माटी डाल दी कहाँ से डाल दी जौन मूड़ा थी मरजदवा वाली में नहीं बांटी पड़ी वहाँ तो पानी है कहाँ से डाल दें वह तो ये रोडे वाली माटी का करो के यहाँ डाली थी ना अच्छा तब झूठ बोली होटल झूठा कहीं तो लाए जा अब अगर छोटे स्कूल के फोन आवा इनकर जमीन फंसा तो वहाँ जाए बेदरों गए हाँ बार बार फोन आया हाँ मतलब ये दादर से अगर चली जाए पखरा तो बहुत लोगों को आ रहा है लेकिन ये चली जा रही है कहाँ दादर राहत मनो ये कहिए गाँव कसूता ये रोड बनी भैया खाली व्यक्ति विशेष पर अजानी दे कितने से बन रही है कितने लागत से 80 लाख रुपये के जानकारी यहाँ मुश्किल से 40 लाख में इतनी बढ़िया रोड बन जाये कि आधा शासन के पैसों का फायदा सब मलबा पारा मलबा को ढो ढोमे की दूरी न हो जैसी जैसे टहे ला लेगा रोड में ऐसे टहे लगा नहीं नहीं पखरा में जुड़ जाए फिर वहाँ ले जाए रोड से आगे नहीं जाया जा सकता पहले पखरा नहीं है तो मान ली वहाँ तक नहर तक इतनी उबड़ खाबड़ हुई है कि कल हम लोग बीते हम ये स्कूटी में गए तो लागत रहा कि कैसे के पार हो जाए अपनों पर है चलिए ठीक वो किनारे किनारे ऐसे बिछड़ा ही नहीं खदाने वाली माटी तो चलिए फिर कोई स्थिति नहीं है जो मानो गाला एक मुंह मत छुपाता हो सब बताइए मैं चाहते हैं कहीं चाहते हैं खराब जुड़ा है पाइप खराब मचाई जी
आ जो नहर भरे में जुड़ जाई तो निकाल दो हाका होई माइनिंग के कि ना होई नहीं हम कबरी कौन लाफे नो छे कौन मतलब नहीं है हम हमवा रोड पर हम लाफ है लाफ बई होई हम काटे कह दे के यार फिर हम कोनिया बाजू जवाई दी तो हमरे नेरे भरा बते कहां चला जी ओठे के लाफ की आवास योजना वाली सरकारी मां हटर काम तिवारी के जो सरकारी मां हां पटरगढ़ी में वाली इनका उन्होंने लगा खेत खेत हो किस तरह से ब्लास्ट होता कैसे दिक्कत होती है दिक्कत आदमी जैसे कड़ा से रोड से या रोड हो गए है जमीना हो हम दुनिया हमारे घर नहीं कर सकते गाँव पे तो बल्ला थोड़े थे मानो ये शुरू में थोड़ा थी होल 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 भो भो तो हम जन जन यहाँ के हम घरों में आ जाता होगा नहीं घरों में अब चारा काटे गिरा वही वोट वोट के जल मोहर देखिए हमारा न ले आज सरकारी कौन कर रहा है वो विस्फोट ये जमीन भी निगरानी कहाँ बाहरी बाहरी नहीं है जी अभी हूँ नहीं आऊँ तो सरकारी प्लाट आए हाँ आज सब है सरकारी हो जमीन अरे बहुत का आदिवासी विकास के नाम से 16 उनके घर बने वहीं से लइए हमारा ले सुन लिया आपने किस तरह से लोग भयभीत हैं बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये वही सड़क है जिसकी बात कर रहे थे देवी मंदिर से बंजारहा जिसका उपयोग अगर खनिज माफिया के लिए ना किया जाना होता तो यह सड़क ना बनाई जाती बल्कि इसका पहुंचाया जाता पाइपखरा गांव तक जहां कई दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन सुदृढ़ हो जाता। अभी हम चल रहे हैं पत्थरगढ़ी के लिए। जानकारी है कि पत्थरगढ़ी में भी अवैध उत्खनन हो रहा है। शासकीय जमीन आवंटित है आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए लेकिन वहाँ दिन रात अवैध उत्खनन हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने पहले भी बताया था कि यहाँ रिकॉर्डिंग करना भी खतरे से बाहर नहीं है। खनिज माफिया की सांठगांठ रहती है झूठे मामले दर्ज करा देते हैं जिसके चलते कोई नहीं बोलता है। इसलिए भी हमारा प्रयास है कि कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लेते हुए खुफिया कैमरे से दिखाया जाए ये सड़क है जहां भारी वाहन निकलते हैं। बताते तो हैं कि आगे पूरी रोड जर्जर हो चुकी है। विद्यालय है शासकीय विद्यालय के बगल से अवैध उत्खनन हो रहा है विस्फोट होता है। ये आगे स्कूल दिख रही है जो पेड़ के नीचे लगती है खुले में लग रही है और जस्ट इसी के बगल में विस्फोट होता है। ये विद्यालय है ये शासकीय विद्यालय पत्थरगढ़ी की है जहाँ बच्चे बैठे हैं सैकड़ों बच्चे हैं। ये विद्यालय शासकीय भवन और मंदिर है और ये ठीक उसी के बगल से विस्फोट। यह है पत्थरगढ़ी जहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए जमीन आवंटित है। 210 मशीनें लगी हुई हैं ट्रैक्टर हैं। ये सड़क के दोनों तरफ पास में विद्यालय पास में मंदिर बस्ती सड़क 24 घंटे चलती है सड़क उसके दोनों तरफ अवैध उत्खनन। शासकीय ज़मीन है ये खसरा नंबर 69 बताया जाता है। शासकीय ज़मीन है खसरा नंबर 69 है जिसे कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रावास बनाने के लिए आवंटित किया है लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्रशासनिक साठगांठ अवैध उत्खनन। ये देखिए हकीकत दोनों तरफ किस तरह से ट्रैक्टर लगे हुए हैं। त्यौहार है तब ये हाल है बताते हैं कि यहाँ तो मेला लगता है। सड़क के दोनों तरफ मशीनें लगी हुई हैं जो पत्थर निकाल रही हैं कुछ लोग हाथ से फोड़ रहे हैं। ये घर दिखा है कोशिश करते हैं कि घर में रहने वाले लोगों से कुछ बात की जाए कि कैसे खनन हो रहा है कब से हो रहा है क्या दिक्कतें हो रही हैं किसके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते कोशिश करते हैं कि शायद कुछ बोले। पत्थरगढ़ी ये चारों तरफ अवैध उत्खनन दुकान है ये। आइए सुनाते हैं क्या कहना है दुकानदार का और उनके घर वालों का क्या है। हम लोग रहते हैं गरीब आदमी है? कितने घर होंगे यहाँ रहने वाले? हो गए हम ही घर है बाकी आगे वो बस्ती। अभी आज ही रोड टूटा। कितने समय ब्लास्ट हुआ है? कितने समय? एक घंटा। तो सब पत्थर आते होंगे यहाँ भी लगने वाला डर होगा। लोग हैं भैया ये मोती पाड़े के लड़का लोग करवा रहे हैं ना है? मोती पाड़े के लड़का उड़का लोग करवा रहे हैं ना खुदवा रहे हैं अमित पांडे लोग खुदवा रहे हैं यहाँ पास। हाँ
कौन है यहाँ ही कह दो लोकल खनिज विभाग वाले नहीं आते खनिज विभाग वाले कोई नहीं आए कोई नहीं आता मिली भगत बताए लोग कि इस तरह से दिक्कतें हैं घरों में पत्थर आता है ब्लास्ट हो रहा है सरकार ही नहीं सुनती क्या कर सकते हम लोग अब किससे लड़ेंगे बड़े लोग बस थोड़ी लड़ेंगे पंचायत भी है सब जानते हैं सुना आपने अभी एक घंटे पहले ही विस्फोट हुआ है इनके घरों में किस तरह से पत्थर आते हैं कैसा है? जीवन काट रहे हैं लेकिन मजबूर है कुछ भी नहीं बोल सकते सरकारी ज़मीन है अवैध उत्खनन चल रहा है वही ज़मीन है जहाँ कलेक्टर साहब ने आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रावास के लिए आवंटित किया है खसरा नंबर 69 बताई जाती है जहां हैवी ब्लास्टिंग कर पत्थर तोड़े जाते हैं ये कुछ दिख रहे हैं जो हाथ से पत्थर फोड़ रहे हैं कोई गाइडलाइन नहीं अवैध उत्खनन दिन रात पत्थर निकाले जाते हैं यहां से शासकीय ज़मीन है हाथों से फोड़ा जा रहा है ब्लास्ट किया गया है इसके बाद पत्थरों को फोड़ा जा रहा है ट्रैक्टर से कृषक तक पहुंचाया जाएगा तो देखिए आपने बनकुनिया सर्किल का हाल किस तरह से यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा है आज त्यौहार है तब यह हाल है अन्य दिनों में तो यहाँ बताते हैं कि मेला लगता है इन सब क्रशरों में काम शुरू होने वाला है दीपावली के बाद जहाँ पानी भरा हुआ था वहाँ भी खनाने शुरू हो जाएंगे अभी जहाँ सूखा है वहाँ से अवैध उत्खनन हो रहा है अब यह रोड निकलती है दादर रहट बम्हौरी होते हुए रीवा सिमरिया मार्ग पर सड़क आपने देख लिया किस तरह से अवैध उत्खनन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं गहरी खाइयाँ खोद कर छोड़ दी गई हैं जहाँ अक्सर घटनाएँ घटित होती रहती हैं अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री सड़क का हाल यहाँ से हैवी वाहन निकलते हैं जिसके चलते क्या दुर्दशा हुई है यह बनकुनिया सर्किल का दादर बम्हौरी रहट मार्ग जहाँ प्रधानमंत्री सड़क का हाल बेहाल हो चुका है हैवी वाहनों के चलते बताते हैं कि यहाँ दिन रात ट्रैक्टर दौड़ते हैं आज एकादशी है जिसके चलते ट्रैक्टर सड़कों में नहीं दिखाई दे रहे ये है खाइयाँ सड़कों में कहीं ना पेड़ ना कहीं मिट्टी पाटी गई ये तो साधारण गांव की बात है बाकी जेपी के द्वारा तो बड़े तालाब बना दिए गए हैं और कहीं मिट्टी नहीं डाली गई तो कुछ समय पहले ही सड़क बनी और फिर गड्ढों में तब्दील हो गई हाँ बताया कि हम लोग ब्लास्ट होता है घंटा पहले ब्लास्ट हुआ है सरकारी यही है वो सेंशन है नहीं नहीं छात्रावास आदिवासी विकास के नाम से नंबर पट्टा है अच्छा निकलना चली गौरी होते हुए रीवा हाँ निकल चलिए आपने देखा किस तरह से धरती का सीना चीर कर अवैध उत्खनन किया जा रहा है ना तो शासन प्रशासन का ध्यान है ना जनप्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ही जनप्रतिनिधि अवैध उत्खनन कर रहे हैं अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद